there be a fourth Iron Man? So yes. Yeah. Okay, yes. Okay, good. ये वीडियो एक्चुअल में 9 साल पुरानी है जिसमें आरडीजे ने खुद बोला है ऑफिशियली कि वो आयरन मैन 4 में आयरन मैन के रोल में वापस आएंगे। और भाई इससे भी ज्यादा मजेदार बात पता है क्या है, हम ये जानते हैं कि एंड गेम के एंड में कैप्टन ने टाइम ट्रेवल करके सारे स्टोन्स को उनके अपने रेस्पेक्टिव प्लेसेस पर उनकी अपनी जगह पर रख दिया था। बट एक चीज सोचने वाली ये है कि बाकी सारे स्टोन्स तो उन्होंने रख दिए होंगे बट सोल स्टोन वो किसी जगह पर नहीं था, वो एक प्लैनेट पर था, लेकिन वो सामने तब आया था जब नताशा ने कूद कर एक तरह से सैक्रिफाइस किया था खुद को, तब जाकर वो हॉकाई को और एवेंजर्स को मिला था। यानी सोल स्टोन को वापस रखा नहीं जा सकता, जो सैक्रिफाइस हो चुका है उसे अनडन नहीं किया जा सकता। ये चीज हम पहले भी गेम में देख चुके हैं। तो ना ही नताशा मर के जिंदा हो सकती है और इसी वजह से प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली सोल स्टोन जो है वो अभी भी कैप्टन के पास ही है। प्लस एक पुराने आयरन मैन विलन ने भी रिटर्न को लेकर बहुत बड़ा सिग्नल दिया है आज के टाइम पर, जब मार्वल में लिटरली ना कोई ढंग की स्टोरी बची है ना सुपर हीरो, तभी ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो चलो इस स्टेटमेंट का और अभी जो सिचुएशन चल रही है उसका पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि टोनी वापस आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले तो भाई ये पता कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट देते टाइम टोनी को क्या ये पता था कि आयरन मैन से पहले एंड गेम और एंड गेम में उनका सैक्रिफाइस दिखाया जाएगा, उन्हें मरना होगा। तो ये स्टेटमेंट 9 साल पहले का है, तो आज से 9 साल पहले यानी अराउंड अक्टूबर 2014 का वीडियो है ये। और 2014 में आई थी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर और उसके जस्ट अगले साल तुरंत बाद 2015 में आ गई थी एज ऑफ अल्ट्रॉन। यानी एवेंजर्स फ्रेंचाइज काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी तब के टाइम जब आरडीजे ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो ये कहना तो सेफ है कि हाँ एंड गेम के इवेंट्स और टोनी का सैक्रिफाइस उस टाइम जब आरडीजे ने ये स्टेटमेंट दिया उनको कहीं ना कहीं ये चीज पता होगी, एटलीस्ट अंदाजा तो होगा ही, क्योंकि देखो एंड गेम की स्क्रिप्ट भी ऑफिशियली 2015 में लिखी जानी स्टार्ट हो चुकी थी और 15 में स्टार्ट हुई थी, इसका मतलब 2-3 साल पहले से उस पर प्लानिंग तो चली रही होगी। तो डेफिनेटली आरडीजे को ये बात तो पता होगी ही कि एंड गेम में उन्हें मरना है। और इसके बावजूद अगर उन्होंने ये बात ऑफिशियली बोली है कि वो आयरन मैन 4 में वापसी करेंगे तो भाई एटलीस्ट इतना कहना तो सेफ है कि इन फ्यूचर आरडीजे मार्वल की किसी भी मूवी में कभी भी वापसी कर सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये एक सरप्राइज रहेगा बहुत बड़ा, जैसे टोबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन ने एज अ सरप्राइज नो वे होम में एंट्री करी थी, कुछ उसी तरह से। और रीसेंट इवेंट्स के बाद तो ये बात और तय हो जाती है, बिकॉज अभी कैंग को लेकर जो भी एक्साइटमेंट थी वो खत्म हो चुकी है। जब से कैंग के एक्टर जोनाथन मेजर्स पर अपनी गर्लफ्रेंड की कुटाई करने के चार्जेस लगे हैं तो वो तो ऑफिशियली मार्वल से बाहर चुके हैं। ऐसे में मार्वल को अब किसी ना किसी पुराने ओपी एवेंजर को वापस लाना ही पड़ेगा, बिकॉज नए हीरो सबने देख लिए कितने ज्यादा टैलेंटेड है भैया। और जिस आयरन मैन विलेन के रिटर्न की मैं बात कर रहा था वो है आयरन मैन 2 का मेन एंटेगनिस्ट जस्टिन हैमर, जो हैमर इंडस्ट्रीज का मालिक था और जो टोनी से डायरेक्ट कम्पीट करता था। तो जस्टिन हैमर का रोल प्ले करने वाले सैम रॉकवेल ने बोला है कि रोडी की अपकमिंग सीरीज आर्मर वॉर्स में वो वापसी कर सकते हैं, ऑल्दो कोई कंफर्मेशन नहीं दी है बल्कि ये कहा है कि ही इज ओपन टू प्ले द रोल अगेन। एक्टर्स वगैरह सब ऐसे इशारों में बात करते हैं क्योंकि नो वे होम से पहले भी इशारों में बातें की जा रही थी। इवन एंड्रू गारफील्ड ने तो सीधे सीधे झूठ बोल दिया था, मना कर दिया था कि वो एज अ स्पाइडरमैन रिटर्न नहीं कर रहे हैं। सैम रॉकवेल खुद बोल रहे हैं कि ही इज ओपन टू प्ले द रोल अगेन एंड बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो रोडी की सीरीज आर्मर वॉर्स में वापस आ सकते हैं। तो इन सारी सिचुएशन को देखते हुए भाई ये कहना सेफ है कि हमारा लव यू 3000 कभी भी वापसी कर सकता है। बट द मेन इशू इज स्टिल दैट कि मरे हुए टोनी को आखिर कैसे जिंदा किया जाएगा, और भाई इतना बड़ा जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया है उसकी वैल्यू भी तो बचा कर रखनी है ना। बट इसका आंसर बहुत सिंपल है, जैसे अभी डेडपूल 3 में वुल्वरीन आ रहा है ना, तो लोगन में तो वुल्वरीन मर चुका है बट ह्यूज जैकमैन और रैन रेनॉल्ड्स ने ये खुद क्लियरली बोल दिया था कि वो लोगन वाली स्टोरी लाइन को टाइमलाइन को टच नहीं करेंगे जो कि उस टाइम पर बूढ़ा होकर मर गया था। वो टाइमलाइन तो एज इट इज रहेगी, उसकी जगह डेडपूल केबल के टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस का यूज करके पास्ट में जाकर वुल्वरीन के किसी और यंगर वर्जन से मिलेगा, यानी लोगन का वो डेथ वाला जो इमोशनल मोमेंट था भाई वो सेफ रहेगा और वुल्वरीन वापस भी आ जाएगा फैंस के लिए। और कुछ इसी तरह से भाई एंड गेम में आयरन मैन के सैक्रिफाइस को टच ना करते हुए किसी अदर वे में आयरन मैन को इजीली वापस लाया जा सकता है। कुछ फैंस का ये भी मानना है कि टोनी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर वापसी कर सकता है, बट अगर ऐसा करेगा तो भाई ये चीज क्लियर है कि उतना मजा तो नहीं आएगा, क्योंकि टोनी को जो चीजें फैंस का फेवरेट बनाती हैं वो इसकी पर्सनालिटी, उसका बड़बोलापन और ये सब चीजें एआई में तो होने से रही। और एआई टोनी स्टार्क से भी ज्यादा अजीब जो थ्योरी है वो है ज़ॉम्बी स्टार्क की। मतलब जैसा कि हमने फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो के इल्यूजन में पहली बार ज़ॉम्बी आयरन मैन को देखा था, बाद में फिर ये चीज हमने व्हाट इफ में और डिटेल में देखी थी
थी। एंड फाइनली भाई मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने एक वेरिएंट को रिजरेक्ट करके उसे एक कॉन्शियस ज़ॉम्बी के फॉर्म में जिंदा ही कर दिया था। बट अगेन यार सीरियसली, हम ना टोनी को एआई की फॉर्म में चाहते हैं ना ज़ॉम्बी की फॉर्म में, जैसा था वैसा चाहिए। तो ओवरऑल वर्डिक्ट यही है कि अभी हाल के इवेंट्स को देखते हुए एंड ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, इन सब चीजों को देखते हुए टोनी के वापस आने की उम्मीद एक बार फिर से जगी है और नई नई थ्योरीज निकलकर सामने आने लगी हैं। और देखो सीक्रेट वॉर्स वगैरह में भी बहुत टाइम है, तो भाई आराम से मतलब मार्वल वाले कुछ भी नई कहानी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी देखो कैंग वाला सीन तो पूरा चेंज ही हो गया है। अभी ये भी नहीं डिसाइड हुआ है कि कैंग के एक्टर को रिकास्ट किया जाएगा या कैंग की जगह दूसरा कोई मेन विलन इंट्रोड्यूस करेंगे, तो अभी टाइम मार्वल के पास बहुत है, वो चाहे तो इजिली टोनी को किसी तरह से इस स्टोरी लाइन में इंसर्ट कर सकता है एंड बहुत ज्यादा चांसेस है। तो भाई कहने का मतलब यह है कि उम्मीद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है टोनी किस फॉर्म में वापस आएगा, किस मूवी में वापस आएगा, कमेंट में बताओ। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसे अभी लाइक करके, नए हो देन चैनल कर दो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर से डाल लेना एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।